साथियों नमस्कार। आज हम प्रयागराज के विधानसभा चुनाव में पहुंचे हैं ग्राउंड रिपोर्ट के लिए, ओपिनियन पोल के लिए। 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं, जनता किसकी सरकार चाहती है, ज़मीनी हकीकत जानेंगे। यहाँ पे काफ़ी लोग जो है नरेगा में काम करने वाले लोग हैं, महिलाएं भी हैं, दादा भी चाचा भी हैं, तो हम इनसे भी जानेंगे कि जो है अब की बार सरकार किसको देखना चाहते हैं विकल्प के रूप में। तो दादा जो है हम बात करेंगे आपसे, अब की बार सरकार किसकी देखना चाहते हैं? मायावती की। हाँ अच्छा, जो ये सरकार चल रही है योगी सरकार, क्या योगी सरकार फिर से चले जाएंगे आप, छुट्टी कर देंगे? हाँ छुट्टी कर दो। अच्छा योगी सरकार से खुश नहीं है? ना, लड़कियों की पढ़ाई बंद है, बस स्कूल बंद है, सब चीज़ की परेशानी बाटे, पढ़ नहीं पावा। अच्छा, एक पार्टी और है, सपा है, बसपा है, तो आप बसपा को देख रहे हैं सरकार के रूप में? नहीं, मायावती की सरकार बनाना चाहते हैं। मायावती की जो पार्टी है वो बसपा है। अच्छा बसपा है, तो आप मायावती की सरकार बनाएंगे? हाँ। अच्छा, जिस तरह से यहाँ पे दादा ने बताया कि हम मायावती की सरकार देखना चाहते हैं, हमारे साथ में काफ़ी महिलाएं भी हैं और महिलाएं से भी पूछेंगे, अब की बार जो है सरकार किसको देखना चाहते हैं? मायावती। अच्छा मायावती की। हाँ। योगी सरकार से खुश नहीं है क्या? योगी सरकार से महंगाई कई दे है। अच्छा। गैस महंगा है, बिजली महंगा है, तेल महंगा है, गल्ला महंगा है, हर एक चीज़ महंगा, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। अच्छा। और कहा थी दुनिया का हवा कांड सुना था, कहूँ कांड हो जात, कहूँ मारा जाता है, कहूँ पीटा जाता है, कहाँ सुना दबा, कुछ सुनाई हो। मायावती की सरकार चाहते हैं? हाँ मायावती। अच्छा, तो योगी को छुट्टी कर देंगे अब की बार? अब योगी की छुट्टी करेंगे। अच्छा, होबे करी अब। अच्छा। मतलब का है, हमारे घर नहीं है, हमारे खेत नहीं है, अकात हम दो दो तीन तीन बच्चे हैं, हम तसला ढो के खवाते हैं उनको। आप ये जो तसला ढोते हैं, नरेगा में काम करते हैं, इसमें कितना पैसा मिलता है? 200 रुपया। क्या 200 रुपये में गुजारा हो जाता है इस महंगाई में? नहीं। अच्छा, कहते 180 रुपया तेल है, 1 किलो तेल ले लत का तेल हम लोग बच्चे पियाएंगे। तो इसी महंगाई को देखते हुए क्या सरकार को बदलना चाहेंगे? हाँ बदलना चाहते। किसकी सरकार? मोदी, उनका कहा थी मायावती की। अच्छा, जिस तरह से इन्होंने बताया कि मायावती की सरकार देखना चाहते हैं, तो माता जी जो है अब की बार किसकी सरकार आप देखना चाहते हैं, मायावती या अखिलेश? मायावती की। मायावती की। हाँ। अच्छा, मायावती का काम अच्छा लगता है क्या? हाँ। अच्छा, अच्छी बात है, योगी की मतलब छुट्टी कर देंगे अब की बार? अच्छा ठीक है। यहाँ पे जो है सभी मायावती को वोट करेंगे, ये विधानसभा चुनाव है। माता जी ये बताइए, अब की बार जो है चुनाव होने वाले हैं, आप भी जो है आपकी क्या राय है, किसकी सरकार देखना चाहते हैं? मायावती की। मायावती की। अच्छा, मायावती की सरकार देखना चाहते हैं, क्या योगी के कामों से खुश नहीं है? नहीं। अच्छा, बहुत तेज महंगाई है भैया, बहुत तेज महंगाई है, ना लड़का पढ़ लिख पावत है, ना कुछ कही पावत है, अब तेल नोन न खेती न बारी गतिविद के कहाँ से कौन कमाई के किया। ये जो आप लोग काम कर रहे हैं इसको दिखाइए तसला, ये जो काम कर रहे हैं इससे गुजारा हो जाता है क्या? का हो जाता है, का हो जाता है, चार रोज नहीं। ये काम भी जो कंटिन्यू नहीं चलता है, कभी कभी लगता है, कभी कभी नहीं लगता है, तो इसका पैसा पास सही समय पे हो जाता है? हाँ हो जाता है, सब हो जाता है, लेकिन जो है सरकार बदलना चाहते हैं। हाँ। अच्छा, तो जिस तरह से अपनी अपनी बात रखी है ये लोग कि अब की बार जो है मायावती की सरकार देखना चाहेंगे, तो हम और भी लोग हैं जो हमारे साथ में हैं चाचा लोग, इनसे भी जानेंगे कि अब की बार सरकार किसकी देखना चाहते हैं। चाचा ये बताइए, जो चुनाव होने वाले हैं किसकी सरकार देखना चाहते हैं? हम बहन जी की सरकार देखना चाहते हैं। बहन जी की सरकार? बहन जी माने तो मायावती जी। अच्छा, वहीं सपा भी तो है, सपा को क्यों नहीं देख रहे हैं, क्या उनके कामों से खुश नहीं है? नहीं। अच्छा, बसपा के कामों से खुश हैं? तो लड़कियाँ पढ़ लिख पाते हैं, हर चीज़ महंगाई इतना हो रहा है, जो है महंगाई बढ़ी जाती है, यहाँ 200 रुपया कमाई, 200 रुपये में का होता है, एक दिन लाख चार दिन बैठा है, चार ही लड़के हैं, घर गिर गया, कुछ मिलता है योगी सरकार का दे रही है? आपका घर गिर गया है, अभी कॉलोनी भी नहीं मिला? नहीं मिली है। अच्छा, जिस तरह से अभी काफ़ी सामना करना पड़ रहा है इस सरकार में इन लोगों को, इसलिए सरकार को बदलना चाहते हैं, तो अभी घर दिखा दें, गिरा है नहीं हमारा? अच्छा, घर कहाँ पड़ता है चाचा? यही नहर के पास में, वादी के बाद। वादी के बाद, चलिए कभी फिर हम आएंगे आपसे बात करेंगे, देखेंगे। अच्छा ये बताइए, ईवीएम पर आपका क्या सवाल है कि वोट बैलेट पेपर से होना चाहिए, ईवीएम से होना चाहिए? हाँ, बैलेट पेपर से होना चाहिए। ईवीएम से क्यों नहीं होना चाहिए? अब बटन दाबा कहूँ तो वोट पहुँच जाता कहूँ। अच्छा, वोट कहूँ पहुँच जाता? ये भी बात है चाचा, ये बतिया सही है आपकी। लेकिन एक नियम अनुसार है, तो आप लोग मांग करें ना बैलेट पेपर से चुनाव ना हो चाहिए। हाँ, बैलेट पेपर से होना चाहिए। अच्छा, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। अच्छा, जिस तरह से चाचा ने कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, तो भैया चाचा
आपकी क्या राय है सरकार में बनाने की? बहन जी की क्या बहन जी का काम अच्छा लगता है क्या? अच्छा, योगी के कामों से कुछ नहीं। अच्छा, क्यों? जो सरकार चल रही है, महंगाई, बेरोजगारी या काम, उनके कार्यकालों से खुश नहीं है? उन्हें तेल 200 रुपये किलो हो गया है। अच्छा, कोई 200 रुपये किलो हो गया? हाँ, 180। अरे 200 हो गया। अच्छा अच्छा, तो जिस तरह से कोरोना काल चल रहा था, इसमें भी काफ़ी आपको सामना करना पड़ा होगा महंगाई से? तो महंगाई तो बहुत आदमी बने हैं। अच्छा, बनिया बने हैं। गरीब लोग तो मर गए थे। अच्छा अच्छा, गरीब, तो इसीलिए महंगाई को देखते हुए आप जो है बहुजन समाज पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो सभी जो है बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। चाचा इधर घूमिए, इधर आप इधर आइए, तसला ले जाइए, आइए। देखिए तसला लिए हैं तब भी हम इनसे बात करेंगे। तो चाचा, आप जो है किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं? मायावती है। मायावती को? मायावती अच्छी लगती हैं क्या? ठीक है। अच्छा ठीक है, योगी की सरकार नहीं अच्छी है? वो भी ठीक है। अच्छा ठीक है, लेकिन आपकी बार सरकार जो है मायावती की देखना चाहते हैं? मतलब बदलना चाहते हैं। अच्छा, बदलना चाहते हैं। एक बार सबको मौका देना चाहिए। सबको मौका देना, और देखा जाए तो मायावती 4-4 बार भी मुख्यमंत्री रही हैं इसके पहले, लेकिन फिर भी बदलना चाहते हैं आप? अच्छा, तो साथ में बहुत ही बुजुर्ग दादा हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। दादा एक मिनट आप फरुआ रोक दीजिए, जो चुनाव होने वाले हैं, मान लीजिए किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? अब सरकार साहब मतलब परेशान हो गया ही, मतलब गरीब आदमी है, यही हरजने में सब आए, हरजने सब यही जितना है, 80-80 है। हाँ, 80-80 है, मतलब हरजने में है। अब कोनो सुनाई ना है, ना भी है कि यार दिन भर दुनिया का पैसा चला जात बात से, और क्यों गरीब मतलब परेशान है, ये धोवा दिन भर 200 रुपया का बाटे महंगे जमाना में। महंगाई के जमाने में जो है 200 रुपये कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तो इस महंगाई को देखते हुए कहीं ना कहीं तो आप सरकार किसकी देखना चाहते हैं, किसके कहाँ सरकार में अच्छा लगता है आपको, किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? देखा सब जो चुने हैं वह मौत भाई का। अच्छा, तब भी आपकी क्या मंशा है, किसकी सरकार? मायावती सरकार, मायावती की। अच्छा, जिस तरह से मायावती की सरकार आप कह रहे हैं, तो क्या जो सरकार चल रही है योगी के कार्यकालों से आप खुश नहीं हैं क्या? का खुश है, जो ना देखा था जो कुछ धरे है वो दुनिया का फैसला हो गया, पैसा दूठी नहीं मिला। अच्छा, पलक में धाई दी बुढ़ाई, दान नहीं मिला तो काम न होते, पैसा वो नहीं तो मिला, पल से में जो है आपका पैसा डूब गया। हाँ, डूबा या है, अब मिलते नहीं, का करे, कई दाएँ वाइल्ड लाइन की सब कुछ करे, वाइल्ड लाइन की उनका पैसा नहीं मिला था, हमारे घर में कई जने फंसा हम। अच्छा, ये बताइए कभी जो है आप मायावती को करीब से या मिले या देखे हैं? हाँ, लगे देखे, कई नहीं आ रहे हैं, बरेली में भाई देखे है, वो तो भाई वही चीज़ें। हाँ, वो नहीं दुबारे नहीं गए, घर नहीं गए। जो है बहन जी से काफ़ी जो आप प्रसन्न हैं? हाँ, मतलब कार्यकाल जब करे रहे, सही करे रहे, फिर पता नहीं जनता या भाई बदल दिए तो क्या करा जाए। अच्छा, तो जनता आप ही बनिए, आपकी बार सरकार बदलिए। अब सरकार देखा बदलेगी तो आधा कि बदल जाए सरकार। जिस तरह से हम यहाँ पे सभी से पूछताछ किए ओपिनियन पोल के लिए, सबकी राय है बहुजन समाज पार्टी आनी चाहिए आपकी चुनाव में। यहाँ पे जो है बहन जी की लहर चल रही है, और इसी के साथ चैनल को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।